अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। ओके 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 ऑलराइट। अच्छा म्यूट, सब अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम लोगों ने कंटिन्यू करना है उसी वीडियो को जिसके ऊपर हम जो है काम कर रहे हैं पिछले दो सेशन से। हम लोगों ने पहले फैलेसीज देखी थी और कुछ हम लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस को जो है वो थोड़ा सा जो है उसको समझने की कोशिश की थी कि उसमें चीज़ें क्या क्या आती हैं। आज हम लोग जो है आई वॉन्ट कि हम लोग थोड़ा सा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स को टच करें। जिस जिसने वीडियो देख ली है, आई होप कि अब आपने देख ली हो क्योंकि एक सेशन मिस भी हुआ है बीच में, अब तो मोस्टली लोगों ने देख ली होगी, वो अपना हैंड रेज कर लें जिस जिसने वो वीडियो पूरी देख ली है। मूव टू दैट वीडियो आल्सो। ठीक हो गया, अभी हम लोग वीडियो पहले मैं ओपन कर लूं। अच्छा, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पहले चलते हैं। जो जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अनम्यूट करके मुझे बताएं कि प्राइमरी आर्ग्यूमेंट से आपके जहन में क्या आता है। वीडियो में से अगर आपको कहा जाए कि प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स निकालें, जो टॉपिक डिसाइड की गई है वो आता है। जो टॉपिक डिसाइड किया, अच्छा ठीक है। एनीथिंग एल्स? प्राइमरी आर्गुमेंट्स, हेलो, कैन यू हियर मी? यस। प्राइमरी आर्गुमेंट से वो ही आता है जो हमारे जहन में थॉट्स, जो हमारी पर्सनल थॉट्स वगैरह, फर्स्ट जो हम लोग इंप्रेशन किसी भी चीज का गेट करते हैं वो गैदर करते हैं, या जो हम एक्सप्रेस करते हैं फर्स्ट थॉट्स जो हमारे जहन में आती हैं, दोज आर कॉल्ड द प्राइमरी आर्गुमेंट्स। हमारी पर्सनल जो भी उसके बारे में, उसके बारे में, अच्छा ठीक है। दोनों आंसर्स नहीं ठीक थे, अभी इसको करते हैं। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स, मेरी बात जरा गौर से सुने। हम आपको कहें कि ये आपके पास वीडियो है, इसमें से प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स निकालो, आपके जहन में क्या बात आएगी, ये सवाल है मेरा। जो हिजाब वाली बात थी तो उसमें हिजाब का जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था, ओके, हिजाब ही होगा क्योंकि प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सेंट्रल आइडियाज। किसी भी टॉपिक या थीम का जो सेंट्रल आइडिया होता है उसे प्राइमरी आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपलीफाई कर दें। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि वो जो कह रहे थे कि हिजाब एज अ रिलीजियस सिंबल है, ना कि कोई वो कह सकते कि वो, ये तो आप आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं ना, ये आप आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये टर्मिनोलॉजी जब आप यूज करते हैं कि प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स निकाल लो वीडियो में से, बहुत सिंपल सी फॉर्म में उसको उर्दू में या किसी को समझाना हो क्या बताएंगे कि प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली जब आप कोई डिबेट देखते हैं ना, माइक है, अपने माइक्स जो हैं वो म्यूट रखें। अच्छा, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं और हम डिबेट देखते हैं मोस्टली और आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, तो अक्सर ये होता है कि बात कभी कभी जो मेन टॉपिक होता है हमारा उससे दूसरी तरफ जा रही होती है, कभी तीसरी तरफ जा रही होती है। तो हर तरह के आर्ग्यूमेंट, कभी लोग फैलेसी के जरिए जो है फैलेसी क्रिएट करके, मतलब रीजनिंग एरर दे के अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि वो जो है ना आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ट्रैक चले जाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट
जो ये किसी ने यहाँ पे लिखा है बेसिक आर्ग्यूमेंट अराउंड द टॉपिक, ये भी हो सकता है कि वो आर्ग्यूमेंट किसी और बात का दे रहे हो, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट ठीक भी हो, लेकिन वो इस वीडियो का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा. वीडियो में से अगर आप ट्रैश निकाल देना, ट्रैश इन अ सेंस के जो जिस मकसद के लिए हम लोग वीडियो देख रहे हैं, वो जो टॉपिक है जिसके ऊपर बात हो रही है, उसके अलावा जितनी चीजें हैं इधर उधर की बात या वो सब ट्रैश निकाल दे, तो आपको प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स पता लगेंगे कि एक बंदा किस अपने एक आर्ग्यूमेंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है. मोस्टली यही होता है कि हम लोग सोच के आए थे, जब भी कोई डिबेट होती है ना, आप किसी चीज के बारे, ये जैसे हिजाब के बारे में डिबेट है, अब इसमें सेंट्रल चीज या हिजाब है कि आपने, और फिर सेंट्रल चीज ये है, टॉपिक ये कि हिजाब बैन हुआ, ठीक है, और स्टेट में बैन है, वो लोग कह रहे हैं नहीं बैन होना चाहिए, जो मुस्लिम्स हैं वो कह रहे हैं कि बैन नहीं होना चाहिए, मतलब हमें फ्रीडम होना चाहिए. जो दूसरी ऑपोजिट पार्टी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना कोट कर रही है. अब इसी चीज के अराउंड अपना एक आर्ग्यूमेंट लोग ना हमेशा कोई ना कोई एक आर्ग्यूमेंट अपना बना के, अपना सेट करके अपने दिमाग में, या फिर ऑन स्पॉट भी किसी ने बनाया होता है. अब उस आर्ग्यूमेंट को कभी कभी होता है कि लोग आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए उसके अराउंड प्ले कर रहे होते हैं, अपने प्राइमरी आर्ग्यूमेंट के अराउंड. कभी होता है कि दो तीन प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं किसी के, ठीक है, जो बहुत सॉलिड होते हैं, फिर उसके अराउंड आप उसको, उस आर्ग्यूमेंट को जो है ना प्रूव करने के लिए, उसको राइट बनाने के लिए आप उसके अराउंड प्ले कर रहे हो. कभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे. जब आप ये कोई भी वीडियोस वन टू वन देखना शुरू करेंगे ना, तो आप प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स को जब आप फोकस करना शुरू करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट इसका इस टॉपिक के बारे में भी है और ये बहुत सॉलिड भी है, तो ये इसका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है. जब हम इस वीडियो की बात करते हैं तो इसमें चार लोग बैठे हुए हैं. अब चारों लोगों का, हर बंदे का कोई ना कोई प्राइमरी आर्ग्यूमेंट होगा, और इस पूरी वीडियो का भी प्राइमरी आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है. बंदों का भी अलग अलग से होगा कि भाई व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, और पूरी वीडियो का भी एक आर्ग्यूमेंट जो है ना वो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जिसके अराउंड पूरी जो कॉन्वर्सेशन है चारों लोगों की वो रिवॉल्व कर रही होगी. मुझे यहाँ पे मैसेज आया, ऑडियो इज नॉट स्टेबल, मेरी आवाज ठीक आ रही है बाकी सबको? तो अच्छा, अब ये यहाँ पे हम लोग हमने पहले जो है हाइजीन के बारे में बात की थी. हाइजीन का किसी का कोई क्वेश्चन है? एक दो क्वेश्चन मुझे यहाँ चैट में लिख दें कि आपको पिछले सेशन में अगर हाइजीन समझ नहीं आई, जिन्होंने पिछला सेशन अटेंड नहीं किया वो तो क्वेश्चन ना लिखे ना, वो तो रिकॉर्डिंग देख लें. उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग देख ली आपने, उसके बाद भी आपको कोई एक चीज ऐसी जो आपको समझ नहीं आ रही, तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं वो देख लूंगी. अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर. अब हानिया की बात करें तो हानिया के जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स निकलते हैं, जिसने वीडियो देखी भी पहले वो मुझे बताएं कि हानिया के प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स, व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट शी वाज यू नो रिवॉल्विंग अराउंड, व्हाट वाज हर प्राइमरी आर्ग्यूमेंट अबाउट दिस टॉपिक, कोई बता सकते हैं? कैन आई आंसर? यस यस. ओके, वैसे जो मैंने इसे देखा था मुझे ये लगा था बेसिक आर्ग्यूमेंट तो इसका था कि ठीक है अलाव होना चाहिए, लेकिन जो इसके सारे आर्ग्यूमेंट थे उससे जो उसने दिए उससे जो हम निकालेंगे तो उससे ये था ठीक है अलाव होना चाहिए, लेकिन शी इज ओके कि अगर नहीं होता अलाव. अच्छा, दिस इज नहीं, आप देखें ये आप बता रही हो कि ये उसका वो बता रही हो, आप क्या उसको कहेंगे, उसके आर्ग्यूमेंट्स की सेंस बता रही हो जो आपको ये लगा. आपने बात करनी है बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आप प्रूव कर सको कि देखो इसने ये एक बात कही है, ये इसका प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था, ठीक है. और एज इट इज जब आप किसी के आर्ग्यूमेंट को कोट कर रहे हो तो आपने वही वर्ड्स यूज करने हैं, वही चीजें यूज करनी है, वही स्टेटमेंट्स यूज करनी है, ठीक है, ताकि उसमें कोई शक व शुबा ना रहे. हम लोग पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ नहीं पूछ रहे, हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है. तो क्रिटिकल एनालिसिस में सबसे पहले तो आपने ये सबने बल्कि देखना है कि मुझे ये लगा, और ये बाइसेस हमने कवर करनी है इंशाल्लाह, मुझे ये लगा या मुझे ये फील हो रहा था या ये कहना चाह रही थी, वो वाली चीजें आपने ये वर्ड्स ही नहीं बोलने यहाँ पे. वो अगर आपने ये बोलने हैं कि आपको ये लगा, तो उसको आपने प्रूफ करना है अपने जो है ना फैक्ट्स के साथ.
स्टैट्स के साथ या एविडेंस के साथ. महविश मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, माइक थोड़ा सा वो. अच्छा हानिया के जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स, अब ये एक दिस इज द ओनली वीडियो जिसमें आई एम टेकिंग यू गाइस थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन आप कह लें या जो भी इसका जो बैक पे वर्क हुआ हुआ है, मैं उसको उसको सारा कुछ लिखा लिखाया जिसे कहते हैं ना पक्की पकाई खीर आपको जो है ना दिखा रही हूँ बता रही हूँ. लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में हम लोगों ने खुद निकालने हैं प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये बना हुआ था. मैं आपको बताना चाह रही थी कि किस तरह हमने इसको जो है ना देखना है वीडियोस को, किसी भी चीज को या किसी भी टॉपिक को. इसलिए सारा कुछ जो इसका क्रिएट हुआ है आई एम शोइंग दिस टू यू. बट नेक्स्ट वीडियो में वीडियो सिर्फ जाएगी, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हम लोग खुद ही निकालेंगे, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स हम लोग खुद ही काउंट निकालेंगे, उसके अंदर से ट्रैश आउट करेंगे, उसके ऊपर फैलेसीज लगाएंगे, फैलेसी के बाद उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट बनेंगे. आपको ये तीन चीजें नीचे नजर आ रही होंगी कि हमने पहले तो पूरी वीडियो की सर्जरी ऐसे करनी है कि उसमें से ट्रैश निकाल देना, सारी फजूल चीजें निकाल देनी है हर बंदे का जो भी उसमें बैठा हुआ, उसके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स को कंपाइल करने. प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी ऐसे भी कंपाइल होते हैं कि एक जगह उसने एक स्टेटमेंट बोली, आगे जाके उसने उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू किया. ठीक है, आपने पूरी वीडियो में से वो आर्ग्यूमेंट उसका एक ही बन रहा है लेकिन वो तोड़ तोड़ के उसने दिया है या बात कट गई उसकी, इस तरह आपने वो आर्ग्यूमेंट इकट्ठा किया. उसके बाद आपने देखा और कोई आर्ग्यूमेंट बनता है इसका जो बहुत स्ट्रांग है, जिसमें इसने जो है ना जो पूरा टॉपिक पे उतर रहा है, वो आर्ग्यूमेंट निकाला. दो तीन चार जितने भी आपको वीडियो में से मिल रहे हैं आपने वो आर्ग्यूमेंट निकाले, वो स्टेटमेंट एज इट इज आपने लिख देनी है अपने प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कि ये इसके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स हो गए. अब इसके ऊपर कोई फैलेसीज लगती हैं कि नहीं, अब इसके आर्ग्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट्स हैं, रीजनिंग एरर है, वो है या नहीं है, वो आप फिर आप एविडेंसेस भी चेक करते हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में एविडेंसेस भी होते हैं. कोई आपको आर्ग्यूमेंट देता है कि यू नो इतनी जो है ना दुनिया में इतनी औरतें इस तरह हैं या इतने आदमी इस तरह हैं, इतने बच्चे ऐसे हैं, तो जब वो आपको स्टैट्स बताते हैं तो कभी कभी नहीं बल्कि मोस्टली हमें ये होता है जिनको यू नो जो क्रिटिकल थिंकिंग में क्रिटिकल एनालिसिस में वीक होते हैं वो इंटिमिडेट हो जाते हैं. अच्छा उसने फैक्ट्स बता दिए तो इट मीन्स कि उसको पता है, हम लोग चेक नहीं करते फैक्ट्स. कभी कभी फैक्ट्स ठीक भी होते हैं लेकिन वो किसी और डोमेन में किसी और चीज में बात कर रहे होते हैं, और जब तक हम उनके एविडेंसेस और फैक्ट्स को चेक नहीं करेंगे हमें नहीं पता लगेगा कि ये वाकई यहाँ पे चीज बैठती है कि नहीं बैठती. तो उसको चेक करना उनके आर्ग्यूमेंट्स को कि ये सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, वो हमारी जिम्मेदारी है. आई नो कि जब ये सारा कुछ ओपन होता है ना हमारे आगे, हमें लगता है ये तो बहुत काम है, हम हर वीडियो को इस तरह देखेंगे. तो यस आप हर वीडियो को इस तरह देखेंगे, लेकिन आगे जाके ये होगा जब आप हर वीडियो को आप करंट अफेयर्स देख रहे होंगे, आप लोग पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स देख रहे होंगे, आपको पता लग रहा होगा सारा कुछ क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आर्ग्यूमेंट्स जो लोग दे रहे होंगे आपके सामने पॉलिटिशियंस या यू नो ह्यूमन राइट्स के जितने भी लोग एक्टिविस्ट हैं, जब वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होंगे तो आप खुद ब खुद डॉट्स कनेक्ट कर लोगे कि यहाँ पे ये चीज़ बंदा जो है ना मुझे ये पहले आपको शक होना शुरू होगा कि ये जो है ना ये चीज मुझे नहीं लग रही ठीक क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ी थी या मैंने ऐसे देखी थी. आप चेक करना शुरू करोगे जब आपके पास एविडेंसेस और फैक्ट्स और वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, तो जब कोई आपके आगे आर्ग्यूमेंट देगा किसी भी टॉपिक का तो आप उसको वहीं पे कैच कर सकते हो. ठीक है, तो प्रैक्टिस और करंट अफेयर्स में जाना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. अगर आप फॉलो नहीं करोगे, अगर आप उसमें नहीं जो ना जंप नहीं लगाओगे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में फंसे रहोगे, तो आपको पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो समझ नहीं आएगी. तो दिस वाज द पॉइंट कि आपने क्रिटिकल एनालिसिस के सेशंस को या क्रिटिकल एनालिसिस को आपने देखना कैसे है. ये भी होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एक टॉपिक पे आपकी कमांड नहीं होती. आई अंडरस्टैंड कि आप फिजिक्स की कोई बात हो रही है, कोई केमिस्ट्री की बात हो रही है, आपका नॉलेज नहीं है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा आपको. आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन किसी एक चीज के ऊपर एटलीस्ट कोई एक ऐसी दो तीन चीजें होनी चाहिए जिसके ऊपर आपकी कमांड हो, आपकी जो भी फील्ड है उसके ऊपर तो आपकी इतनी कमांड होनी चाहिए कि जब कोई आपको आर्ग्यूमेंट दे तो आप उसको काउंटर कर सको. रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है. ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा.
ओके सो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स निकल आए, उसके फैलेसीज हमने देख ली कोई अप्लाई होती है नहीं होती, उसके बाद हम उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाएंगे. अब काउंटर आर्ग्यूमेंट में जो चीज़ हमने देखनी है प्रैक्टिस के लिए, हमने प्रैक्टिस हमने यहाँ पे ये करनी है कि आर्ग्यूमेंट अगर आपको ठीक भी लग रहा है, हानिया का आर्ग्यूमेंट ठीक है, मुस्लिम आर्ग्यूमेंट्स ठीक, लेकिन फिर भी आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट लाजमी बनाने, ठीक है, आप ऑपोजिट पार्टी की तरफ से काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाओ. ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कि अगर हम ये आर्ग्यूमेंट देते हैं तो ऑपोजिट पार्टी हमें क्या आर्ग्यूमेंट दे सकती है. यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड और बिफोर हैंड आपने ये चीज अपने दिमाग में सोच के रखनी है. तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आपने हमेशा बनाने हैं, चाहे वो आर्ग्यूमेंट ठीक हो या ना हो. कभी कभी ये होता है आपको यहाँ पे मुश्किल यहाँ पे ये आएगी जब आपकी बायसेस ट्रिगर होंगी, जब आप किसी टॉपिक पे बायस्ड होगे तो आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट बनाने में बहुत मुश्किल होगी. लेकिन वही बात है कि जब आप एथियस से या आप किसी भी एलजीबीटी के एक्टिविस्ट से आप बात कर रहे हो, तो आप जब आर्ग्यूमेंट्स देते हो आपके आर्ग्यूमेंट अपने आर्ग्यूमेंट्स में हम लोग बहुत फोकस कर लेते हैं और स्ट्रॉन्ग भी कर लेते हैं अपने आर्ग्यूमेंट. लेकिन हम लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अक्सर सोचना भूल जाते हैं कि अगला बंदा किस तरह का आर्ग्यूमेंट हमें जो है ना दे सकता है हमारे इस बात पे. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स हानियाज प्राइमरी आर्ग्यूमेंट. अब ये आप देख रहे हैं कि इसके हमने दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं. ये जो डॉक्यूमेंट है जरूरी नहीं है कि 100% ठीक हो, ये डॉक्यूमेंट गलत भी हो सकता है, आपने इसको चैलेंज करना है. इस सेशन में जितनी चीजें होंगी हमने सब एक दूसरे की चीजों को चैलेंज करना है. ये तो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया, हो सकता है मैंने आर्ग्यूमेंट्स या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स उस तरह के अच्छे बनाए ना हो या फैलेसीज गलत लगाई हो, तो यू नीड टू चैलेंज इट. अब फैलेसीज इसमें हमने अब सारी फैलेसीज नहीं पढ़ी, इसको आप बिल्कुल टेंशन ना लें. नेक्स्ट में हम लोगों ने पूरा फैलेसीज के ऊपर ही सेशन रखना है. एक दफा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स आपको निकालना आ जाए, उसके बाद जब आप फैलेसीज उसके ऊपर लगाना शुरू करेंगे ना, तो विल डू. हमने सारी फैलेसीज एक एक करके नहीं करनी, हमने जो सिर्फ कॉमन फैलेसीज जो हैं हम वो कवर करेंगे, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और जो है ना आगे की फैलेसीज पढ़ना वो आपका खुद का काम होगा. पहले पहले बहुत मुश्किल लगती हैं चीज़ें, आई अंडरस्टैंड कि जब आपके पास नई नई यू नो इन्फॉर्मेशन, आपको पता ही नहीं हो रहा कि ये फैलेसी यहाँ पे कौन सी लग रही है कौन सी नहीं लग रही, तो इस वक्त इसको बिल्कुल इग्नोर करें, इस कॉलम को आप बिल्कुल इग्नोर करें, इग्नोर मोड पे डाल दें. अच्छा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स में हम आते हैं हानिया के प्राइमरी आर्ग्यूमेंट हमें दो नजर आते हैं. आई अंडरस्टैंड I would need to remove my hijab if I start teaching. Hijab is not something to talk about at this time. अब ये इसका argument revolve कर रही थी इस argument के around. ठीक है, और एक इसका argument ये था, the debate will end and you all will go to your homes, but we will face the consequences of this kind of narrative that you're putting on the public media. अब ये statement आपने, फिर मैं वापस बता रही हूँ कि as it is उसी के words लिखे हुए हैं, ठीक है, ताकि कोई हमें इसके ऊपर ये ना कह सके ये तो इसने कहा ही नहीं था. अब इनके ऊपर ये फैलेसीज लगी हैं, ये फैलेसीज जब हम पढ़ेंगे हमें पता लग जाएगा. ये वाली फैलेसी हम पढ़ चुके हैं, अपील टू पिटी वाली. एनीबडी कैन टेल, अपील टू पिटी हमने कवर की थी, अनम्यूट करके बताएं अपील टू पिटी क्या होता है. इसकी इस आर्ग्यूमेंट में अपील टू पिटी हम लोगों ने फैलेसी लगाई है. जी, अपील टू पिटी ये होता है कि आप ऐसा आर्गुमेंट दें कि उसके कंसिक्वेंसेस मुझे भुगतने पड़ेंगे, मतलब कि उसके बाद जो रिजल्ट होगा हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा. इट्स अबाउट हमदर्दी गेन करने के लिए, पिटी लेने के लिए ना. हाँ, मुझसे आप इमोशनली उनको इस तरह से करने के लिए कि देखिए हमारी हालत पे तर्स खाएं. ठीक है, डन हो गया मैसेज. ये कमेंट्स में भी सही आ रहे हैं, इमोशनल माइंडसेट. यस, विक्टिम माइंडसेट, बिल्कुल ठीक हो गया. अपील टू पिटी आप यूज करते हैं कभी कभी, कभी आपका आर्ग्यूमेंट ठीक भी होता है, जरूरी नहीं कि गलत हो. लेकिन अब ऐसी जगह अपील टू पिटी यूज करना जहाँ पे यूज करना नहीं बनता, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ से आता है. This debate will end. You all will go to your homes, but we will face the consequences. अब ये consequences जो हो रहे हैं ना, वो दोनों parties face कर रही हैं. तो इसका तो simple सा जो है ना counter argument बनता था. The party is also facing the consequences of your protests against our government. अब ये उनकी तरफ से argument दिया हमने.
वो लोग कह रहे हैं हम भी तो आपके प्रोटेस्ट और आपने जो जो है ना इतना हमें तंग किया हुआ, हमारे मुल्क में इतनी तंगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हो, हम भी तो वो फेस कर रहे हैं, तो आप मतलब विक्टिम बन गए हो और हमें आपने जो है ना वो गलत बना दिए. तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका बनता था, जो कि इसको इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर नहीं प्ले करना चाहिए था. ठीक है, कभी आपको यूज करना भी पड़ता है अपील टू पिटी. कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस एक तरफ के लोग ही फेस कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ नहीं कर रहे होते. कभी कभी एक तरफ के लोग ज्यादा फेस कर रहे होते हैं. अब यही आर्ग्यूमेंट जो है ना अपील टू पिटी वाला, जब इजरायलीज को दिया जाता है, वो हमें कहते हैं कि आप अपील टू पिटी कर रहे हो. हालांकि जो फलस्तीन के ऊपर जो है ना जो सारा कुछ हो रहा है उसका मुकाबला, और जो इसराइल के ऊपर वो थोड़ा सा जो गाजा इसराइल के ऊपर करता है, वो मतलब बहुत फर्क है दोनों कंट्रीज में और दोनों की पावर में और दोनों के यू नो चीजों में. लेकिन उसको कॉन्फ्लिक्ट का नाम लेके कि ये तो दोनों तरफ से है कि दोनों कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, तो इसको कवर कर लिया जाता है, इसको वो रोल कर देते हैं इसराइलीज. आई होप जिसको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ. मैं इसके ऊपर ऐसी वर्डिंग यूज नहीं करना चाह रही, इसके ऊपर क्वेश्चंस फिर आ जाए मुझे. तो हालांकि फलस्तीन के ऊपर जो चीजें हो रही है उसमें आप वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं अपील टू पिटी. क्यों? क्योंकि उनके पास फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, वो बता सकते हैं कि भाई हम विक्टिम हैं, ये हमारे पास फैक्ट्स और एविडेंसेस हैं. तो दिस इज हाउ यू गिव योर आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट बनता है, आई वुड नीड टू रिमूव माई हिजाब इफ आई स्टार्ट टीचिंग. I understand that. So hijab is not something to talk about at this time. अब इसका argument जो है counter argument था, argument made from a small sample of students. Not all Muslim women in France may agree to this. ठीक है, अब ये हानिया को argument कौन दे रहा है? ये हम लोग दे रहे हैं उसे कि तुम तो ये कह रही हो कि I understand I would need to remove my hijab. You understand ना, आप represent किसको कर रही हो? आप पूरे student को student council को या you know सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहां पे हिजाब भी, उनको रिप्रेजेंट कर रही हो और आके अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट दे रही हो. हाउ कैन यू डू दिस? इफ यू अंडरस्टैंड यू कैन रिमूव योर हिजाब व्हाइल टीचिंग, तो आपने इस तरह आर्ग्यूमेंट आप नहीं दे सकती. आपने सबका आर्ग्यूमेंट देना है. ठीक है, हिजाब इज नॉट समथिंग टू टॉक अबाउट. अब यहाँ पे ये काउंटर आर्ग्यूमेंट सिंपल सा बनता था. कोई हमारी तरफ से बोल रहा हो जाके, ठीक है, मैं हिजाब करना चाहती हूँ, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जाके उधर बोल दे कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबसे पहले तो काउंटर आर्ग्यूमेंट उसके अपने बंदे उसको देंगे ना. तो ये भी इसके काउंट इसकी ना आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ था बहुत बड़ा. अब यहाँ पे इसकी जो फैलेसीज हैं इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं. कैरोलाइन वैलेंटाइन, अब इसके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट, अब इसने इसमें पूरी वीडियो में बहुत सब जगह फैली हुई थी ये और बीच में बहुत बोल रही थी, लेकिन हमने पूरी वीडियो देख के उसके सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स निकाल के, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स जो मेन उसके थे आर्ग्यूमेंट्स, वो निकाल के साइड पे किए और उसका सारे ट्रैश को हमने इग्नोर किया. वो उसकी हाइजीन में चला जाता है कि वो अच्छी थी बुरी थी, उसने कहाँ पे कट किया कहाँ नहीं किया, कहाँ इधर उधर स्लिप हुई, आर्ग्यूमेंट्स हटी. प्राइमरी आर्ग्यूमेंट इसका क्या बन रहा है? वुमेन आर मर्डर्ड एंड प्रोसिक्यूटेड इफ दे डोंट वेयर हिजाब इन सबर्ब ऑफ फ्रांस. इसने एक फैक्ट बताया था कि फ्रांस के सबर्ब इलाका, जिसको नहीं पता, वो जो बाहर के एरियाज होते हैं, आउटस्कर्ट्स होते हैं सिटी के, सबर्ब, वहां पे ये होता है कि मुस्लिम वुमेन जो हैं, मुसलमानों के घरों में तो यही होता है कि औरतों को मार दिया जाता है अगर जो है ना वो हिजाब नहीं पहनती. अब ये इसका आर्ग्यूमेंट इंतहाई फजूल आर्ग्यूमेंट था और ये इसने काफी दफा जो है ना उसमें इम्पोज करने की कोशिश की है. अब इसमें क्या इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट सिर्फ सिंपल सा जो यासिर ने इसको दिया भी था, डू यू हैव एनी एविडेंस? शी हैड नो एविडेंस अबाउट दिस, शी जस्ट गेव दिस आर्ग्यूमेंट जस्ट लाइक दैट. अब ये इसकी बाइसनेस पे था, इसकी मिसकंसेप्शन पे था, किस पे था उस पर हम नहीं जाएंगे क्रिटिकल एनालिसिस में. हमने सिर्फ इसके आर्ग्यूमेंट को देखना है, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट को देखना है, उस पर फैलेसीज को देखना है. अगर इसके ऊपर ये एविडेंस दे देती, फैक्ट्स दे देती, तो फिर हम उसको काउंटर नहीं कर सकते. अगर हमें इतने फैक्ट्स दे देती जिससे ये साबित हो जाता कि वाकई वहां पे ऐसे होता है, जिसमें एक दो अगर हमें
ये एक दो स्टोरीज या एक दो रिव्यूज दे देती ना, एक दो बंदियों को मारा भी गया होता हिजाब के ऊपर, तो भी उसके ऊपर एक फैलेसी लगती थी इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर। अगर एक दो एविडेंसेस ये भी दे भी देती ना कि ये देखो एक दो बंदियों को मार दिया था सबर्ब ऑफ फ्रांस में, मेरे पास एविडेंस है, फैक्ट्स है, उसके ऊपर भी फैलेसी लगती है कि आप वो उसको एनेक्डोटल एविडेंस कहते हैं, कि आप एक दो या अपने रिव्यूज के ऊपर या लेस एविडेंस के ऊपर आप इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं बना सकते हो कि अगर एक दो को मार दिया तो सबको ही मार देते हैं। इस्लाम में ये होता है, आप इस्लाम में ये चीज नहीं डाल सकते हो। तो ये भी इसका रीजनिंग एरर ही होना था अगर ये एविडेंस एक दो दे भी देती तो। वी हैव एविडेंस दैट हस्बैंड स्टॉप हिजाबी टू वेयर इट। ये कौन कह रहा है? सादिया प्लीज अनम्यूट करिएगा जी। अगर वो ये कह रही है ना कि हस्बैंड जो है वो स्ट्रेस करते हैं कि आप हिजाब करें, उसकी तो एविडेंस पता नहीं है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे हस्बैंड हिजाबीज को ये कहते हैं कि ये आप क्यों कर रही हैं, मत करें। इसके वाकई हमारे माशरे में भी बहुत सारे मिलते हैं जो हिजाबीज कर रही हैं, उनको अपने हैं। Do you have the facts? Do you have those facts? Facts, मतलब जो हमें लेडीज मिलती हैं हिजाबीज, उनको उनके जो स्टोरीज बताती हैं कि हाँ जी हमारे बात करने की कोशिश कर रही हूँ सादिया। इस तरह आपने बात नहीं करनी कभी भी आर्ग्यूमेंट में कि मुझे अगर औरतें मिलती हैं या मैंने बहुत देखी हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे यू कैन नॉट, यू नो, आप अपना आर्ग्यूमेंट नहीं रख सकते। आपके पास फैक्ट्स हैं, आपके पास कोई रिसर्च पेपर हो, कोई एविडेंस इस तरह का हो, आपके पास इतनी औरतें हो बताने के लिए कि वाकई हमारे मर्द इतने हैं, और उसकी परसेंटेज भी इतनी हाई हो कि वो एक्सेप्ट हो सके इस चीज के ऊपर कि वाकई मुसलमानों में ये होता है। उसके बाद भी इस आर्ग्यूमेंट के बाद अगर ये सारे फैक्ट्स आ भी जाएं तो क्या इस्लाम में ये है या नहीं है, उसके ऊपर आ जाएंगे फिर हम। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा कि अगर इस्लाम में नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम में ये चीज मुस्लिम लोग करते हैं वो माना जाएगा, वहां उस हद तक उस चीज को मान लिया जाएगा। बट आफ्टर द फैक्ट्स, डू यू हैव दीज फैक्ट्स आदिया? I have my facts, but obviously research work, जिस तरह से जो आप कह रही हैं कि हमारा कोई research paper आया है, इस तरह तो किसी ने काम किया ही नहीं इस पे। किया नहीं है तो बस ये आप argument बता ही नहीं सकती। अगर आप ये बताओगी उसी वक्त fallacy लगेगी, anecdotal evidence। ठीक है, एनेक्डोटल एविडेंस क्या होता है वो आप गूगल करके देखिएगा, आपको ज्यादा समझ आएगी उसकी। वो जब किसी डॉक्टर पे जाएं तो एक दो रिव्यूज आए होते हैं ना कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, तो वो रिव्यूज देख के हम लोग क्या करते हैं, हम डॉक्टर पे नहीं जाते, तो वो हम लोग उस फैलेसी के अंदर जो है ना, जिसे कहते हैं ना, फंस जाते हैं उस फैलेसी पे कि ये तो एक दो रिव्यूज आ गए अब तो हमने जाना ही नहीं है, ये बजाय इसके कि हम उसकी पूरी प्रोफाइल देखें, उसके बाकी सारे रिव्यूज देखें। तो वो एनेक्डोटल एविडेंस के ऊपर हम किसी एक बंदे ने कह दिया, मेरी फ्रेंड ने कह दिया डॉक्टर नहीं अच्छा, और मैंने उसकी बात मान ली और मैं उस डॉक्टर पे नहीं गई, वो अलग बात है कि ठीक है आप जो है ना उस बेस के ऊपर मान रहे हो कि फ्रेंड ने कह दिया, हस्बैंड ने कह दिया, वाइफ ने कह दिया, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में ये चीज आप नहीं मान सकते कि किसी ने आपको ये कह दिया कि ये चीज ठीक नहीं है क्योंकि मुझे लगता है या मैंने ये देखा हुआ है, ठीक है, या मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है। दिस इज नॉट हाउ क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग वर्क्स। यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस प्रॉपर। ओके ओके, सो सेकंड आर्ग्यूमेंट व्हिच शी वाज ट्राइंग टू यू नो, एक्सक्यूज मी, यस आई हैव अ क्वेश्चन। आपने अभी फैक्ट की बात की ना कि हम जो है ना उनसे फैक्ट्स मांगेंगे, लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर कोई फैक्ट्स प्रोवाइड कर भी देता है तो स्टिल वो इनफ होगा? क्योंकि मुझे इस तरह लगता है कि जो फैक्ट्स है ना वो स्टिल जो है ना डिसेप्टिव होते हैं, तो उसकी जो है फैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी को जो है ना वो किस तरह हम काउंटर कर सकते हैं, उसको क्रिटिकली देख सकते हैं? यस बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्ट्स की ऑथेंटिसिटी जो है वो आपने इस तरह देखनी है, फैक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, कितने परसेंटेज है उसके अंदर, उसका फिर जो उसके स्टैट्स होंगे आप वो देखेंगे, उसके ऑपोजिट आपके पास क्या फैक्ट्स मिलते हैं। कभी हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसी किसी डिबेट में या कोई देखेंगे ना वीडियो जिसमें फैक्ट्स पे बात हो रही हो, तो विल यू नो एक्सप्लोर कि फैक्ट्स को किस तरह से देखना है, ठीक है। कि कौन थे ये, अनम्यूट करें जो भी थे अभी मेरे पास जी। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी, ठीक है। फैक्ट्स के ऊपर चीजें जो है ना डिफरेंट होती हैं कि आप फैक्ट्स कहाँ से लेकर आ रहे हो, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके ऊपर कितनी रिसर्च हुई हुई, किसने की हुई है,
और क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि मोस्टली टिकटॉक पे मैं देख रही हूँ कि टिकटॉक पे लोग बैठे हुए हैं और रिसर्चेस बता रहे हैं कि ये रिसर्च आई है, ठीक है, और रिसर्च दिखा भी रहे हैं और वो रिसर्च ठीक भी है, लेकिन जब आप उस रिसर्च को खोलते हो तो आपको पता लगता है ये तो सिर्फ 10 लोगों के ऊपर हुई हुई है, ये तो सिर्फ 50 लोगों के ऊपर रिसर्च करके उसने सारों के ऊपर जो है ना वो चीज इम्पोज कर दी। तो इस हद तक जो है ना प्रोपोगेंडा और इस हद तक चीजें जो है ना वो मिसलीड हो रही है, इसको मिसलीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम लोग जब फैक्ट्स पे जाएंगे ये भी आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। एक दफा आप लोग इस चीज के अंदर आ गए और आपने वर्ल्ड अफेयर्स और लोगों को देखना और वो चीजें सुनना शुरू कर दी, आपकी जो है ना सबकॉन्शियस में चीजें आना शुरू हो जाएंगी और आपको खुद ब खुद चीजें याद आएंगी कि यहाँ से ये तो ठीक नहीं है, कहाँ से आपने फैक्ट चेक करने, कहाँ से आपने ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, वो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। मसला ये है कि हम लोग इन चीजों में घुस नहीं रहे हैं और जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में इस वक्त जो है ऊपर है हमारे से, वो इन सब से आगे हैं, ठीक है, वो बिफोर हैंड है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी तक डाटा और नॉलेज के ऊपर ही है कि हम नॉलेज गेन कर लें। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में हमें ये लग रहा है मोस्टली लोगों को कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर नॉलेज गेन करना है, सब कुछ पता होना चाहिए, हालांकि ये नहीं है इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, ये तो इंटेलेक्चुअलिज्म है। इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर वहां से स्टार्ट होता है जब आप बिफोर हैंड होते हो, आप चीजें क्रिएट कर रहे होते हो, आपके पास सारा नॉलेज आ गया होता है, उसके बाद आप क्रिएशन की तरफ जाते हो, उस चीज को यू नो पॉलिसी मेकिंग की तरफ आप कंट्रोल कर रहे होते हो, तब आप वॉर में होते हो। वॉर में तो अभी हम लोग आए भी नहीं है, स्टार्ट भी नहीं हुई। ओके, तो नेक्स्ट उसके ऊपर आ जाते हैं। हिजाब इज अ पॉलिटिकल सिंबल ऑफ इस्लाम, अपील टू पॉपुलर बिलीफ, इसके ऊपर फैलेसी लगाई थी। ये फैलेसीज मैंने आज इसलिए आपको शो भी कर दी है कि जिसने अपना होमवर्क करना हो, इसके ऊपर पढ़ना हो, पढ़ लें, लेकिन हम लोग जब इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स में जाएंगे ताकि आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, अगर आपने रिसर्च करनी हो तो आपको ये नजर आ रही है कि कौन से किस आर्ग्यूमेंट पे कौन सी फैलेसी लगी हुई है। गलत भी हो सकती है, ये मैं नहीं कह रही कि ये जो आपने लगा दी सारी ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये ठीक ही है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाएगा आर यू एन एक्सपर्ट ऑफ इस्लाम काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उसने कह दिया हिजाब इज अ पॉलिटिकल सिंबल ऑफ इस्लाम। इतनी बड़ी स्टेटमेंट उसने दे दी है कि हिजाब जो है वो पॉलिटिकल सिंबल है या इस्लाम का सिंबल है या रिलीजियस सिंबल है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हो? ये बात हमें you know, कोई मुफ्ती होता, कोई कह रहा होता, उससे फिर हम फैक्ट्स भी मांगते हैं। आप कैसे कह सकते हो? आपने इस्लाम पढ़ा है, आप एक्सपर्ट हो, सबसे पहले तो आप उससे ये पूछोगे ना। नॉट लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट, मदिया इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट बताएं कोई और। मदिया ने लिखा है कि ये लॉजिकल नहीं है काउंटर आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल इसका और भी हो सकता है, वैसे 2-3 और भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मदिया कैन यू अनम्यूट? बेसिकली सॉरी मैं दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बोलें। मेरा भी बेसिकली जो ये सिस्टर ने कमेंट किया है ना, मेरा भी बेसिकली वही था कि मुझे भी ये सही नहीं लग रहा था। क्यों उसकी बेस किया? क्योंकि जिसके साथ हमारा आर्गुमेंट चल रहा है तो वो है ही मतलब कि नॉन मुस्लिम है, तो वो एक्सपर्ट ही कैसे हो सकता है? तो इस बेस पे मतलब हमारा एक काउंटर आर्गुमेंट सही नहीं हो सकता, वो तो ऑब्वियसली इग्नोरेंस की बेस पे दे रहा है। लेकिन काउंटर आर्गुमेंट ये हो सकता है कि क्या हम उसी की मतलब के जिस चीज को वो हिट कर रहा है तो ये कर रही हैं, तो हम उसकी उसी का जो अगेंस्ट है जिस चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं, हम उसको जो है ना उनके पॉलिटिकल सिस्टम के साथ या पॉलिटिकल सिंबल के साथ एसोसिएट करके आर्गुमेंट जनरेट कर दें। कैसे जनरेट करें? लाइक हिजाब इज अ पॉलिटिकल सिंबल ऑफ इस्लाम, उन्होंने ये बात कर दी ना। अब जिस तरह अमेरिका में आई थिंक कुछ दिनों पहले हुआ था कि एक ट्रांस वुमन ने जो है ना वो शूटिंग की थी स्कूल में, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये जो है ना मतलब कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है उनका या ये पॉलिटिकल सिंबल है इन ये ट्रांस कम्युनिटी का या जो भी मतलब उस टाइम कम्युनिटी की बात होती है ना। आप उसके आर्ग्यूमेंट को पकड़े ना, उसको ये बताएं कि तुमने आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं दिया। अगर हम उसको उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट किसी और चीज के ऊपर देंगे तो वो भी हमें ये कह देगी कि भाई तुम्हें क्या पता, हम भी उसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें क्या पता इस्लाम का, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हो इस्लाम की, अगर आपको पता है उसके फिकी मसले, इस क्वेश्चन के बाद ना पता क्या बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ना उसके पास,
जब हम इससे ये क्वेश्चन करते हैं ना तो उसकी फैलेसी पकड़ी जाती है. काउंटर आर्ग्यूमेंट का मकसद ये होता है कि जब आपको किसी आर्ग्यूमेंट में आपने फैलेसी पकड़नी होती ना, फैलेसी पकड़ने का तरीका ये होता है कि आप काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हो हमेशा. कभी भी आप इसको ये नहीं कहते, लास्ट सेशन में मैंने ये बात बताई थी, कभी भी नहीं कहते कि तुमने ये फैलेसी कर दी है यहाँ पे, अपील टू पॉपुलर बिलीफ कर दी. आप काउंटर आर्ग्यूमेंट ऐसा देते हो कि उसकी फैलेसी पकड़ी जाए. जैसे अब मैं सिंपल वाली जो है ना, जो सबको समझ आ रही है आर्ग्यूमेंट, वो ये वाली डिबेट, अपील टू पिटी वाली. इसने आर्ग्यूमेंट ये दिया, जब हम इसको काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे कि आपकी पार्टी की वजह से हम लोग भी तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं, तो यहाँ वो चुप कर जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि मैंने अपील टू पिटी कर दी है. ठीक है, अपील टू पिटी, अब मैंने ये जो है ना इमोशनल या विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया क्योंकि आगे से आर्ग्यूमेंट ही मुझे ऐसे आया. ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये हम कहेंगे कि आप इस्लाम के एक्सपर्ट हो, ये हमने कोई सार्केस्टिकली नहीं कहा, हमने उससे पूछा है कि आपको ये पता है, डू यू नो दिस के पॉलिटिकल सिंबल है कि नहीं है इस्लाम में हिजाब, सॉरी. क्या ये चीज काउंटर आर्ग्यूमेंट में हो सकती है कि हम उससे ये कहें कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो भी हिजाब नहीं पहनती मुसलमान औरतें, आप ये कहना चाह रही हैं कि वो मुसलमान नहीं है, ये हो सकता है आर्ग्यूमेंट? ये उसने कहा था, ये उसका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये भी है ना कि बीइंग अ मुस्लिम डजंट मीन दैट यू हैव टू वेयर अ वेल, लेकिन उसने सिंबल कहा है ना कि पॉलिटिकल सिंबल है, वो ये नहीं कह रही कि वो इस्लाम मुस्लिम नहीं है जो नहीं पहने. काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि इसका बेनिफिट क्या है हिजाब का पॉलिटिकल सिंबल एज इस्लाम के मुताबिक. बेनिफिट तो वो से कहेगी ना कि भाई आपको पता होगा ना क्या है आप इम्पोज करना चाह रहे हो. उनका तो पॉइंट यही था ना कि आप इस अपना रिलीजन लोगों पे इम्पोज करना चाहते हो पॉलिटिकल सिंबल दिखा के. अब जैसे वही बात है ना, आप पीटीआई का या पीएमएलएन का झंडा आप लगाना शुरू कर दें उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, यहाँ पे अलाउड नहीं होता, तो वो पॉलिटिकल सिंबल बन गया ना कि आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो. मैम हम इसको ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि आपने इसको पॉलिटिक्स बना दिया हमारे हिजाब को. हाँ, आपने बना दिए तो इसका मतलब है आपने उसको मान लिया आर्गुमेंट के पॉलिटिकल. जी मुझे मैम कैन आई ट्राई, ये कह सकते हैं कि यू कैन गो टू चर्च एंड सी द मैरी और शी इज. इसका माइक है जो बहुत तंग कर रहा है, पहले तो मुझे ये बताएं. सना माज आप बोले, आप क्या कह रहे थे? जी मैम मैं कह रहा था कि हम काउंटर आर्गुमेंट में ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि कोई चीज पहनना वो उस चीज को प्रमोट करना है, तो इट मींस कि अगर हम किसी ब्रांड की या किसी कोई भी मतलब कल्चरल ड्रेस पहनते हैं, इट मींस कि हम उसको पॉलिटिकली प्रेजेंट मतलब प्रमोट कर रहे हैं. तो इसका मतलब तो फिर आप हर चीज पर ये रूल लगाना शुरू कर देंगे, तो एक प्लेन ड्रेस कंट्री बनाए और सबको पहना दे. वो हर चीज पे उन्होंने रिलीजन पे रूल लगाया है ना, और उन्होंने सारे रिलीजन पे एक ही रूल लगाया. तो मैम इस तरह से तो हम ब्रांड पर भी फिर लगाना शुरू करेंगे ना कि अगर ब्रांड रिलीजन नहीं है ना. तो हम उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का कह सकते हैं कि फिर किस बात की फ्रीडम है? नहीं ये तो किसने कहा, कौन नाम बताए अपना? जी हुज़ैफ़ा. उज़ैफ़ा ये तो चीज जो है ना, आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हो ना कि भाई वो हम आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये. तो फिर मैम फिर ये डेमोक्रेसी कैसी हुई ना, हम उनको कह सकते हैं ये कैसी डेमोक्रेसी लिबरलिज्म है कि आप अलाओ, मतलब ये डिबेट चेंज हो जाएगी. ये आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करोगे कि डेमोक्रेसी है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल पास होगा या जो भी उसके अंदर जो क्लॉजेस हैं आप उसको चैलेंज कर रहे हो, तो ये ठीक ही नहीं है. मैम हम ये बोल सकते हैं कि आपने हिजाब को पॉलिटिकल सिंबल के तौर पे यूज होते हुए कहाँ पे देखा है, मतलब आपके पास कोई एविडेंस काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम ये बोल सकते हैं? यूज होते हुए नहीं, वो कह रही है ही सिंबल. वो ये कह रही है कि हिजाब जो है वो पॉलिटिकल सिंबल है. पहली बात है कि उसकी इस बात को आपने काउंटर करना है ना कि ये है या नहीं है, उसको हमने पूछना है कि भाई आप इस्लाम के ऊपर एक स्टेटमेंट दे रही हो, आपने एक स्टेटमेंट दे दी और इस्लाम के अंदर आके स्टेटमेंट दे दी, तो मैम क्या हम इस्लाम में ये है या नहीं? मैम क्या यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इवन इफ इट इज अ पॉलिटिकल सिंबल ऑफ इस्लाम देन इट इज नॉट हार्मिंग अदर्स? Even if it, पहले तो आप माले मानो ना कि ये है या नहीं.
कंफ्यूजन इस मैम कह रही है कि ये आर्गुमेंट उसने तब दिया क्योंकि फ्रांस एक वो स्टेट सेकुलर स्टेट है, तो इस तरह से शायद कंफ्यूजन आ रही है। ये आर्गुमेंट उसने इसलिए दिया कि फ्रांस सेकुलर स्टेट है तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल सिंबल अलाउ नहीं है, तो उसका आर्गुमेंट एक तरह से उसका उसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो यही बनता है जो मैंने लिखा है। हाँ वो ये जो पीछे किसी लड़की ने बोला था कि इज दिस हार्मिंग एनीवन, तो हार्मिंग वाली बात नहीं है ना, बात ये कि अलाउड नहीं है किसी भी रिलीजन को यू नो प्रमोट करना अपने स्टेट में, तो वहां से ही सॉरी जी फौजी हम ये बोल सकते हैं कि आपने कैटेगराइजेशन कैसे किया कि ये पॉलिटिकल इस्लाम है ये पर्सनल है। हाँ यही तो आर्गुमेंट है कि आर यू एन एक्सपर्ट ऑफ इस्लाम, आप इस्लाम के एक्सपर्ट हैं जो आप ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस्लाम के ऊपर लगा के दे रही हैं, ये इस आर्गुमेंट का मतलब ही यही है। मैम हम ये कह सकते हैं उनको डायरेक्टली की हेलो जी जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एक्सक्यूज मी एक मिनट ये पहले जो जिन साहब ने बात की है वो कर लें। हेलो जी मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमारे पास ये इसको लेक्चर को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो आर्गुमेंट होते हैं वो मतलब दो तरह के लोगों से हो सकते हैं, एक जो हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं उनसे हम एविडेंस की बात करेंगे, जैसे कि मतलब अपने फर्स्ट आर्गुमेंट में उसने कहा कि वो मतलब औरतों को मर्डर किया जाता है तो उनसे उनसे हमने एविडेंस मांगी, और दूसरी में हमने उससे पूछा कि क्या मतलब आप इस चीज के एक्सपर्ट हो, तो मतलब हम दो तरह से काउंटर कर सकते हैं, मतलब हम उस जिससे डिबेट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको समझाती हूं, मुझे आपकी बात समझ आ गई। आपने ना पहली बात ये कि दो तरह के लोगों से आपने बात की, ऐसी बात नहीं कोई भी आपको आर्ग्यूमेंट दे रहा हो, आर्ग्यूमेंट आपने देखना है कि उसमें आर्ग्यूमेंट वो ऐसी चीज का दे रहा है जिसमें एविडेंस और फैक्ट्स की जरूरत है, इसमें वो इस्लाम के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, वो ये बता रही है कि आदमी औरतों को मार देते हैं जो हिजाब नहीं करती, और फ्रांस के सबब में होता है, उसने प्रॉपर जगह भी बताई है, तो आप उससे उस वक्त एविडेंस मांगोगे। जहां पे उसने इस्लाम के ऊपर टैग लगाया है, इस्लाम के ऊपर बात की है कि इस्लाम में हिजाब जो है वो पॉलिटिकल सिंबल है, तो फिर आप उससे इस्लाम पूछोगे कि भाई आपको कैसे पता है, आप इस्लाम के एक्सपर्ट हो, अगर उसको इस्लाम में से यू नो कुरान या हदीस में से ये बताओ ना कहीं से, अगर आप एक्सपर्ट हो या फिक में से कि कहीं ये लिखा हुआ है कि वो जो है पॉलिटिकल सिंबल है या नहीं, तो आप आर्ग्यूमेंट देख के फिर उसके हिसाब से काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो मतलब हमने बंदे को नहीं देखना, आर्ग्यूमेंट को देखना है। यस ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन जो रूलिंग है इस्लाम की वो चेंज नहीं होती, एंड देयरफॉर यू आर रॉन्ग व्हेन यू से इट्स पॉलिटिक्स, इट हैज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट इज रिगार्डिंग द रूलिंग ऑफ इस्लाम, सो यू आर मिक्सिंग, यू आर कंफ्यूज, यू आर कंफ्यूज, एंड देयरफॉर यू शुड कंसल्ट, यू शुड रीड मोर अबाउट इस्लाम। यस यू शुड, वही बात है शबनम, बिल्कुल आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट ठीक दिया, लेकिन ये काउंटर आर्ग्यूमेंट आप उसको दोगे ना जिसको पता है रूलिंग क्या है और वो क्या है, पहले तो आप उससे पूछोगे ना कि आपको पता है, आपको एक्सपर्टीज है इस आर्ग्यूमेंट की, जो भी आपने बेस रखी है इस चीज में आपको एक्सपर्टीज है इस्लाम की लॉज में और उसमें, जब वो कहेगी कि हाँ है फिर आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे तो उसने फटाफट यही कह देना कि नहीं है, मैंने तो बस अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट दे दिया और मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग भी समझ रही हूँ। अब अच्छा नीर कुछ कहना चाह रही थी, वो पहले मैंने उनको म्यूट किया था, उसने प्लीज अपना पॉइंट। मैं बेसिकली यही कहना चाह रही थी कि पॉलिटिकल आर्गुमेंट का जो इन्होंने पॉइंट उठाया है, मतलब पॉलिटिकल इसको सिंबलाइज किया पॉलिटिक्स से, बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि उनको एक्सपर्ट होना जरूरी है, इफ वी गिव एनी सच आर्गुमेंट दैट दिस इज अ रूलिंग ऑफ इस्लाम और द वे बाइबल टेल्स क्रिश्चियंस टू अबाइड बाय सर्टेन रूल टू इस्लाम इन इट सेल्फ इज अ सिस्टम, तो उसका पॉलिटिकल सिस्टम हो या उसका रिलीजियस सिस्टम हो, रिलीजियस और पॉलिटिक्स को आपने अलग किया है या वेस्टर्न कल्चर और सोसाइटी ने अलग किया है, इस्लाम में रिलीजन और पॉलिटिक्स कोई अलग चीज नहीं है, हमारा पूरा इस्लामिक सिस्टम है जिस जो तमाम इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है, वेदर दे आर पॉलिटिक्स, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज सम लॉ एंड अथॉरिटी, एनीथिंग,
सब yes, चीज सुनील आप ये देखें, आप जो बात बता रही हूँ ना ये आप तब करोगी ना जब पहले तो आप उससे पूछोगी कि आपको एक्सपर्टीज है इस टॉपिक के ऊपर, ताकि हम लोग जब वो कहेगी कि मुझे एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर आप बताओगे कि ये दोनों चीजों में फर्क होता है, ठीक है, जो भी शब्द हमने भी बात पूरा प्रिसाइज़ शी इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी सो शी इज नॉट रिप्लाइंग टू माय वो एनी माय आर्गुमेंट दैट इज व्हाई आई हैव टू गेट प्रिपेयर्ड मायसेल्फ my mind should be prepared for any such argument that can come up or that can surface on spot. So I need to know first whether Islam is a system that covers the politics, law and all institution of the society, or it addresses only the rituals and religion that Western society has segregated because of their own ulterior motives. उन्होंने अपने ulterior motives के लिए religion को अलग कर दिया और politics या governments के systems को अलग कर दिया. Islam is a complete system that provides in all for all institutions of society. Okay. आगे चलते हैं. बिल्कुल आपने सही बात की है कि आप सिस्टम को और लॉस को और यू नो पॉलिटिकल सिंबल को, जिसको भी आप, जो भी आपको ये आर्गुमेंट देगा तो फिर उसको आप क्लियर करोगे, ठीक है. मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम काउंटर आर्गुमेंट के बजाय उसको काउंटर क्वेश्चन क्यों ना करें, और वो काउंटर क्वेश्चन उसको ये कर सकते हैं कि would you consider मतलब a rabbi's hat, cap जो होती है Jews की cap, क्या उसको आप political symbol consider करेंगे या फिर उसको ये question फहद वो करते हैं, फहद वो करते हैं, फहद वो भी allowed नहीं है ना, वो इन सारी चीजों को same करते हैं. यही बात है जो शुरू में मैंने बात बताई थी कि कभी भी पहले आपने लोगों का बैकग्राउंड देखना है, आप किससे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उनका जो बैकग्राउंड है वो किस चीज के ऊपर प्ले कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन पे प्ले कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में सारा कुछ जो है ना वो बैंड है, वो रैबाइज का जो वो यामका है वो जो सर पे पहनते हैं, वो चाहे यामका हो, चाहे वो नंस का जो है ना अटायर हो, चाहे वो सिखों की पगड़ी हो, सब बैंड है. मैम इसका एक ही लास्ट निकलता है कि इससे यही सवाल किया जाए कि आपके पास इसके ऊपर रिसर्च है. आपके पास कोई प्रूफ है, आपने कोई स्टडी की है तो वो दिखाएं. एक्सपर्ट का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है कि यही बात कोई मुफ्ती कर रहा होता ना तो फिर उसके बाद वो हम कहते हैं कि इसके पास एक्सपर्टीज है तो ये एक फतवा दे रहा है, इसने एक फतवा एक किस्म का दिया है ना, तो वो फतवा दे रहे, उसके बाद वो बहस और शुरू हो जाती. ये ऊपर वाला जो आर्ग्यूमेंट था इसमें कोई फतवा नहीं था, इसमें एक जो है ना स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर एविडेंस या फैक्ट मांगने वाले बनते थे. आई हैव अ क्वेश्चन प्लीज कि जब एक ऐसा मुल्क जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता दिया है कि दीज आर नॉट अलाउड थिंग्स इन माई कंट्री, व्हाई पीपल हु वांट टू डू दिस आर लिविंग देयर? That is a very different question. जो जिसने भी किया है, मैं आपको यहीं पे रोकूंगी. ये बहुत बड़ा question mark है. Yes, for all इसके बहुत सारे reasons हैं. ये एक debate उनसे बनेगी ना जो वहाँ लोग रह रहे हैं, वो आपको बताएंगे फिर. They have you know counter arguments to your argument. लेकिन हमने off track नहीं जाना, ठीक है, हमने इसी के ऊपर रहना है. अब ये दो बंदियों के प्राइमरी आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, अभी लास्ट वाला भी देख लेते हैं. लेकिन आपने बाकी जो दो लोग हैं उनके प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स यू गाइस आर गोइंग टू यू नो टेक आउट एंड राइट. हम इसको आज वहीं पे क्लोज करेंगे. लास्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग उसके ऊपर चले जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. इसके अगर अंदर और कोई पॉइंट्स हुए जो भी आज डिस्कस हुआ है तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे. द लास्ट आर्ग्यूमेंट इज बीइंग मुस्लिम डजंट मीन दैट यू हैव टू वेयर अ वेल. अब ये आर्ग्यूमेंट भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग था और प्राइमरी था, जिसके यू नो ही वाज ट्राइंग टू से कि ये तो जरूरी नहीं है. जो हानिया वालेकुम सलाम नेक्स्ट जी, दिस इज साकिब. अ क्विक जनरल क्वेश्चन अबाउट कम्युनिकेशन. या लॉट अभी मैंने काफी दफा सुना है द वर्ड एक्सपर्ट. सो कैन समवन बी मोर ऑफ एन एक्सपर्ट ऑफ इस्लाम व्हाइल ही इज नॉट अ मुस्लिम or she's not a Muslim? What is the qualification of being an expert? Being an expert means ke you know all the laws
of Islam and you understand it and you can, you know, talk about it. आपको लॉस इस क्वेश्चन के बाद अगर यस आता है ना तो देन यू विल प्ले विद दैट यू नो यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट यू गोइंग टू ओपन अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट इन द लाइट ऑफ इस्लाम राइट तो अगर इफ इट्स जस्ट नोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ सब्जेक्ट मेक समवन एक्सपर्ट then I think would it be fair to say that a particular non-Muslim person who has more knowledge about Islam than a Muslim person who has less knowledge about Islam can be more of an expert than a Muslim person? Well, if you're saying it like an expert, yes, we can say that. But if you are saying that designation of a mufti, then of course not. A designation of a mufti, you cannot give that person, but you can call that person an expert of that. Because when you read comparative religion, you are expert of you know that particular subject, and you have a lot of religion mein expertise. Hasil karte ho. जी बिल्कुल and especially online for being expert somebody need to have a certain certification and no a certain certification yes mustaneed aapki baat wahan pe theek hai aap mufti wali baat to nahi karne lagi ho no not at all because okay. Mufti is within the religion not out of that we can ask mufti when we are talking about the religion within our own community when we are out of the community we still need some certified proof of someone's expertise about certain subject or certain प्लीज अच्छा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी बात कर लेना वो अपना माइक बंद कर दे काइंडली जो अपनी बात पूरी कर ले वो फिर माइक बंद कर ले मुझे इस पे ये बोलना है कि जैसे एक्सपर्ट की बात हो रही है अभी कि एक्सपर्ट उसे कहते हैं जिसने ज्यादा रिसर्च किया लेट्स सपोज अगर मैंने डॉक्टरी के ऊपर सारी रिसर्च की है मैंने पर्सन को डायसेक्ट करने की वीडियोस देखी है और सारी चीजें देखिए तो क्या आप मुझे डॉक्टरी का एक्सपर्ट कहेंगे आप कह सकते हैं कि इस शख्स ऑपरेशन में एक्सपर्ट है मैं बात करना चाह रही थी कि जो एक्सपर्ट की डेफिनेशन है ना या तो अगर आप डिग्री मांग रहे हो किसी से तो क्रिटिकल एनालिसिस में या क्रिटिकल थिंकिंग में यू कैन नॉट से यू कैन नॉट टैग अ पर्सन के आप एक्सपर्ट हो और आप नहीं हो बिकॉज आपके पास डिग्री है इसके पास डिग्री नहीं है ठीक है क्योंकि डिग्री आपको नहीं बताती कि आप एक्सपर्ट हो अगर कोई कह रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ आई नो एवरीथिंग अबाउट योर रिलीजन देन यू टॉक अबाउट दैट देन यू स्टार्ट यू नो जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है रिलीजन के ऊपर आप उसके ऊपर फिर बात करते हो और फिर उसको उसके ऊपर क्योंकि एथियज्म की कोई डिग्री तो नहीं है ना अब एथियस्ट अगर आपके पास आके काउंटर करता है तो आप ये तो नहीं कहते ना कि आप एथियज्म में एक्सपर्ट हो या नहीं हो आप आर्ग्यूमेंट्स की कोई बात इट्स ऑल अबाउट मैं कुछ कहना चाह रही हूँ मुख्तसर की बात ज़हीना ज़हूर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं जो लोग इस तरह की डिस्कशंस करते हैं वो पहले नॉलेज हासिल करते हैं कुछ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो बात करते हैं तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप सर्टिफाइड हो एक्सपर्ट हो क्योंकि नॉलेजेबल होना या किसी चीज के बारे में नॉलेज हासिल करना वो एक डिफरेंट चीज है और किसी स्किल में एक्सपर्ट होना वो एक डिफरेंट चीज है तो जो लोग ये बहस करते हैं या काउंटर क्वेश्चन करते हैं वो पहले कुछ नॉलेज बुनियादी हासिल करते हैं हमारे दीन के बारे में उसके बाद भी उसके बाद ही फिर वो कुछ सवाल करने के काउंटर आर्गुमेंट यहाँ पे इसलिए ये बना है ना कि आर यू एन एक्सपर्ट ऑफ इस्लाम काउंटर आर्गुमेंट ये नहीं दिया गया कि यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इस्लाम ठीक है तो ये चीज के आर यू एन एक्सपर्ट ऑफ इस्लाम ये बेसिकली हमें ऑलरेडी पता है कि शी इज नॉट तो ये आर्ग्यूमेंट इसलिए दिया है ताकि उसको मिरर नजर आए टू शो हर मिरर कि शी इज नॉट एन एक्सपर्ट अगर कोई ये आर्ग्यूमेंट हमें ऐसे दे रहा होता ना जो इस्लाम के ऊपर बहस कर रहा है बैठ के कंपैरेटिव रिलीजन उसने पढ़ा हुआ है हमें पता होता है उसका बैकग्राउंड तो हम उसे कहते हैं कि ये तो नहीं है पॉलिटिकल सिंबल लेट्स प्लीज प्रूव करके दिखाएं यहाँ पे तो हमें वी नो ना कि ये तो इसी आर्ग्यूमेंट की जिसे कहने ना मार है
कि भाई आप एक्सपर्टीज हैं आपके पास, तो आप यही आर्ग्यूमेंट दोगे. उसके बाद अगर वो कहेगी हाँ है, तो फिर दो तीन आर्ग्यूमेंट आपने और देने और आपको पता लग जाना कि एक्सपर्टीज है या नहीं है. आज का सेशन सिर्फ 1 आवर का ही था. इसको मैं कंक्लूड करना चाह रही हूँ क्योंकि लास्ट 2 सेशंस मैंने काफी प्रोलॉन्ग कर दिए थे. मेरे पास फीडबैक आया था कि आप जो है ना टाइमिंग कम करें. तो हम लोग नेक्स्ट में इंशाल्लाह, एक और चीज मैं अनाउंसमेंट कर दूं. अच्छा ये लास्ट आर्गुमेंट करते हैं, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट करती हूँ. बीइंग मुस्लिम डज नॉट मीन यू हैव टू हैव यू नीड दैट यू हैव टू वेयर अ वेल. अब काउंटर आर्गुमेंट इसका है, जस्ट बिकॉज द मेजोरिटी इज डूइंग समथिंग इट डजंट मीन इट एग्जिस्ट इन इस्लाम. अब इसने इस बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट ये था कि मेजोरिटी पे इसने जो है ना, अगर आप इसको सुनेंगे वीडियो में, तो इसने कहा था कि बहुत सारी नहीं करती, टर्की में नहीं करती, यहाँ नहीं करती, वहां नहीं करती. तो इसके ऊपर ऑब्वियसली जो है ना ये फैलेसी बनती थी, अपील टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ बिलीफ, कि आप ये नहीं कह सकते कि, या अपील टू पॉपुलर बिलीफ भी हो सकता है यहाँ पर. मेजोरिटी अगर पहले तो आर्ग्यूमेंट यही बनता है ना, अगर आपकी मेजोरिटी ये कर रहे हैं तो आप इसको ये नहीं कह सकते इस्लाम में एग्जिस्ट करता है. आपने इस्लाम से जो है ना आर्ग्यूमेंट देना है, तो काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका ये बनता है, जो कि उसे पता था कि वो इस्लाम से आर्ग्यूमेंट नहीं देगी. अच्छा ये क्यों नहीं है कि अचानक जो है हिजाब से वेल पे क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? वेल कह लें, हिजाब कह लें, ये उसने दोनों चीजें बीच में कही थी. अब आई डोंट नो कि हिजाब में डिफरेंस है और वेल में डिफरेंस है. वेल इज समथिंग लाइक यू कवरिंग योर फेस, एंड हिजाब तो आपका प्रॉपर जो सदर होता है. नहीं लेकिन ये इसको एक बात नहीं है, लेकिन उसने एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात की. उसका जो बात करने का वो था ना पॉइंट था, वो एक ही था. ये वीडियो का लिंक आपको भेजा गया है आपकी कम्युनिटीज में, जिनके पास नहीं है वो अपने कैप्टन से ले लें. ठीक है, कैप्टन से या कम्युनिटी हेड से जो है ना आप ये लिंक ले लें. और अच्छा छोटी सी अनाउंसमेंट मैं यहाँ ये करूंगी. कौन किसके माइक से? द लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट इन काउंटर, एज अ काउंटर आर्गुमेंट वी कैन से दैट द वर्स यू हैव कोटेड, जो आप दावा कर रहे हो कि ये चीज इस्लाम में एक लाजिम और मलजूम चीज नहीं है, जबकि इस्लाम कहता है कि एक वुमेन की आइडेंटिटी का पार्ट है. इफ समवन, अगेन क्रिश्चियनिटी की मिसाल हम देंगे कि इफ बाइबल डजंट अलाउ समथिंग और अलाउज समथिंग टू द फॉलोअर्स ऑफ द बाइबल एंड पीपल ऑप्ट नॉट टू फॉलो इट, डजंट चेंज द स्टेटस ऑफ द लॉ और the code, because agar majority follow nahi kare, it doesn't mean it doesn't exist, because majority never comes to church as well. So yeah, of course, it is the counter argument ki we can come up with the verse and quotation from the Quran. Basically aap laws ki baat aa jayegi ha ki Islam ke aap laws pe baat karo, aap ye na karo ki Muslim kya kar rahe hain. Okay, thank you so much Mustaneer, आपके points सारों के बहुत अच्छे थे. अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारों को म्यूट. छोटी सी अनाउंसमेंट मैंने करनी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे. और किसी के कोई क्वेश्चन है तो यू नो वेयर टू फाइंड मी. आपके पास नंबर्स हैं, नंबर है मेरा सबके, मेरे खास सारे ग्रुप्स में मैं हूँ एज एन एडमिन आमना हसनैन के नाम से. तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं अगर रिलेटेड इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसके अलावा नहीं. ठीक है, लास्ट जो अनाउंसमेंट मैंने ये करनी थी कि इस सेशन के लिए जो है ना आई वुड नीड मॉडरेटर जो सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस में जो है ना मुझे हेल्प कर सके. इसमें हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि वीडियोस फाइंड करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, किस पे नहीं करनी, क्या चीजें, मतलब जो कॉन्टेंट है ना कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए मुझे चाहिए होंगे लोग. अगर आप में से कोई वॉलंटियर करना चाह रहा है तो प्लीज लेट मी नो. उसका नॉलेज जो है वो होना चाहिए. मुझे ये नहीं लोग चाहिए जो सीखने आ रहे हैं, जिनको समझ आ रही है, सेंस है, और जो करंट अफेयर्स में अपने आप को समझते हैं कि उनको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी वीडियोस यूज हो सकती है कौन सी नहीं, तो मुझे मैसेज करें. तो आई जस्ट डू वन इंटरव्यू एंड यू नो हम लोग ये क्रिटिकल एनालिसिस का पूरा एक यू नो बनाना चाह रहे हैं कि जो कॉन्टेंट हम क्रिएट कर सकें और उसमें कंटेंट चेक भी कर सकें, उसमें फैक्ट्स ढूंढ सकें, उसमें रिसर्च उस तरह की कर सकें. क्योंकि शुरू में थोड़े से लोगों 2-3-4 लोग करेंगे, उसके बाद हम सब ने इंशाल्लाह करना है. तो ताकि जब सब सीख जाएंगे तो फिर सब ने ही करना है.
और मॉडरेट भी, फिर ये मॉडरेशन जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस की खत्म हो जाए करेगी और हम लोग सब बैठ के एक चीज के ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस किया करेंगे और यहीं पे इसी सेशन में ओपन करेंगे, इसी सेशन में रिसर्च करेंगे, इसी सेशन में उन आर्ग्यूमेंट्स की जो भी रिसर्च और एविडेंसेस होंगे, फैक्ट्स होंगे, उनको चेक करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह हम यहीं पे ओपन करके यहीं पे क्लोज करके जाएंगे उस टॉपिक को, तो अल्लाह करे हम वहां तक पहुंच जाए और जो है ना हम सब इंशाल्लाह साथ साथ चलें। आप अपने जो ग्रुप फेलोज हैं जो रिकॉर्डिंग देखते हैं जिनको चीजें समझ नहीं आती, प्लीज हेल्प देम अपने ग्रुप मीटिंग्स में भी, अगर आपकी मीटिंग में लोग ज्यादा नहीं आ रहे, जो कि मुझे काफी इशू जो है ना फीड क्वेरीज आती है कि लोग नहीं आते हमारी मीटिंग में, तो कोई बात नहीं, पेयर्स बना लें, एक बंदा तो आपको मिल ही जाएगा ना ग्रुप में से कोई, पेयर्स आपके जो है ना पेयर्स बना के आप लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लें, इन चीजों के ऊपर टाइमिंग फिक्स कर लें, हफ्ते में कभी एक मीटिंग कर ली, ग्रुप की मीटिंग हो रही है उसमें भी चले गए, इसके ऊपर भी कर ली, कोई टॉक कर ली, कोई यू नो जस्ट अपना सेपरेट काम कर लिया, सोलो वर्क कर लिया, सोलो वर्क करके भी अगर आप लोग आते हो प्रेजेंटेशन देते हो, ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, बल्कि सोलो वर्क करके आप अपने ग्रुप में पहले प्रेजेंट करो, उनकी इनपुट्स लो, फिर उसके बाद आगे आके जो है ना डिस्कशन फोरम में भी उसको प्रेजेंट करें, तो बिकॉज IMS इज ऑल अबाउट यू गाइज आवर टीएस, इंशाल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, नेक्स्ट